ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 9 अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 8 पृष्ठ संख्या 304 सबने निकाल लिया मेरे पीछे बोले प्रकृतिम स्वामवष्टाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्ना अवशं प्रकृतेर्वशा। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। इस श्लोक को समझेंगे, भगवान कह रहे हैं प्रकृतिम स्वाम अवस्तव्य, अपनी प्रकृति में प्रवेश करके, मैं अपनी प्रकृति में प्रवेश करके विसृजामि पुनः पुनः, बार बार उत्पन्न करता हूँ। क्या उत्पन्न करता हूँ? भूत ग्रामम इमम कृष्णम, संपूर्ण प्राणियों को। इस भौतिक सृष्टि में जितने प्राणी हैं उन सबको मैं उत्पन्न करता हूँ और बार बार उत्पन्न करता हूँ। अवशम प्रकृतिर वशात, प्रकृति के वश से ये सब विवश हैं। जितने भी प्राणी हैं प्रकृति के वश में हैं, इसलिए वे विवश हैं, उनका कोई वश नहीं चलता और मैं इनको जो है बार बार उत्पन्न करता हूँ। तो उत्पन्न करते हैं इसका मतलब बार बार मारते भी हैं। तो भगवान सब प्राणियों को बार बार उत्पन्न करते हैं और बार बार मारते हैं, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक परा शक्ति दूसरी अपरा शक्ति। पराशक्ति कौन है? हम जीवात्मा हैं, हम जितने जीव हैं भगवान की पराशक्ति हैं। और जो भौतिक प्रकृति क्या है? अपरा शक्ति। तो अपरा का मतलब है निकृष्ट है, अपरा शक्ति जो है निकृष्ट है और पराशक्ति प्रकृष्ट है, है? लेकिन जो पराशक्ति जीव हैं भगवान से विमुख होने के कारण इतने निर्बल हो जाते हैं कि अपरा शक्ति निकृष्ट शक्ति के भी बस में आ जाते हैं। जीव पराशक्ति है और अपरा शक्ति जो है निकृष्ट है। जो पराशक्ति है अपरा शक्ति के द्वारा कैसे नियंत्रित हो सकती है? लेकिन कारण क्या है? जब जीव कृष्ण से विमुख हो, जब जीव कृष्ण की सेवा से विमुख होता है तो उसकी शक्ति नहीं रहती है, अपरा प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हो जाता है, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। 7वें अध्याय में भगवान ने अपरा प्रकृति का वर्णन किया है। अपरा प्रकृति क्या है? भूमि आपो नरो वायु खम मनो बुद्धि रे विचार अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अपरा अपरा प्रकृति क्या है? पृथ्वी अग्नि वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार 8 प्रकार से विभक्त है। अपरा प्रकृति 8 प्रकार से विभक्त है, है ना। तो व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय ये शक्ति महातत्व के रूप में प्रकट होती है। तो 8 प्रकार से विभक्त जो अपरा प्रकृति है, सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले क्या होता है? महातत्व उत्पन्न होता है, है ना, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। उस महातत्व के बादल में सबसे पहले भगवान प्रवेश करते हैं, है? किस रूप में? महाविष्णु के रूप में।
महाविष्णु कारण समुद्र में निवास करते हैं, तो महातत्व का जो बादल है उसी में कारण समुद्र होता है ना, कारण समुद्र में महाविष्णु निवास करते हैं, वे कारण अरणव में शयन करते रहते हैं। अरणव का मतलब समुद्र है, कारण अरणव या कारण समुद्र एक ही मतलब है। वो कारण समुद्र में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं। ये कर्ता दुधु कर्ता ये शोर करते हैं, शोर किसका हो रहा है? बातें नहीं आपस में कोई बातें नहीं, कौन बातें कर रहा है? अपने बच्चों को संभालिए, बच्चे शोर नहीं करेंगे, शांत रखिए। हाँ, इसमें क्या लिखा है कि वे अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं। जो कारणदर्शा विष्णु है, जब श्वास उनकी बाहर निकलती है, असंख्य ब्रह्मांड श्वास से बाहर निकलते हैं, जैसे हमारी श्वास से छोटे छोटे कीटाणु निकलते हैं, हमारी श्वास से छोटे छोटे कीटाणु हम देख भी नहीं पाते, उसी प्रकार से इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड महाविष्णु के श्वास उत्पन्न होते हैं, तो महाविष्णु कितने बड़े होंगे आप सोचिए। ये हमारा जो ब्रह्मांड है ये 50 करोड़ योजन का विस्तार है, 50 करोड़ योजन में 12 से गुणा करें तो 50 × 12 600 करोड़ किलोमीटर, 600 करोड़ किलोमीटर के विस्तार वाला ब्रह्मांड ये भी बहुत छोटा है, इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। ये जो है इतने ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मांड महाविष्णु के श्वास से असंख्य पैदा होते हैं, तो उनकी नाक कितनी बड़ी होगी, नाक का छेद कितना बड़ा होगा, और जब नाक का छेद इतना बड़ा तो वो कितने बड़े होंगे महाविष्णु। और उनकी श्वास जब बाहर निकलती है तो कितना देर तक निकलती है श्वास बाहर, जैसे हमारी श्वास बाहर निकलती है कितना, 3 सेकंड 4 सेकंड, उसके बाद श्वास बाहर जाती है अंदर जाती है। उनकी श्वास जब बाहर निकलती है तो उतने समय में ब्रह्मा जी का जीवन पूरा होता है, और ब्रह्मा जी का जीवन कितना है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इतनी देर तक श्वास उनकी बाहर निकलती है, और फिर जब श्वास बाहर अंदर जाती है तो ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, वही सब ब्रह्मांड उनके श्वास के द्वारा अंदर चले जाते हैं, और इतनी देर तक सब प्राणी जो है सुप्त अवस्था में रहते हैं, वो भी इतनी बड़ी श्वास अंदर भी होती है, उनके शरीर के अंदर सब जो प्राणी हैं वो अंदर चले जाते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं इतनी देर तक, ब्रह्मा की आयु के बराबर समय तक निष्क्रिय अवस्था में सुप्त अवस्था में बने रहते हैं, और वे मुक्ति नहीं प्राप्त करते हैं, उनके कर्म समाप्त नहीं होते, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक वे सुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन उनके कर्म प्रकृति में सुरक्षित हैं। और फिर से जब महाविष्णु श्वास बाहर निकालते हैं तो ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, फिर ब्रह्मा जी से मनु हैं और प्रजापति हैं, उनसे फिर मनुष्य होते हैं, और फिर वे जितने प्राणी जो प्रलय की अवस्था में सुप्त पड़े थे वो फिर से कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करते हैं, कि पिछले प्रलय में जिन जो मच्छर थे, बिच्छू थे, मेढक थे, तो इतनी देर तक सुप्त अवस्था में पड़े रहे, फिर वो अपने कर्म के अनुसार फिर
मच्छर, बिच्छू, सांप, छछूंदर, चूहा सब योनियों में पैदा होते हैं। है ना, तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं विसृजामी पुनः पुनः, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में भी गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं अवष्टभ्य, अवष्टभ्य का प्रभुपाद अर्थ कहते हैं प्रवेश करके। तो प्रकृति में प्रवेश करते हैं भगवान, तो प्रकृति में प्रवेश करते हैं ये तो भगवान कह रहे हैं, और प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब भगवान प्रकृति में प्रवेश करते हैं तो प्रकृति से महातत्व पैदा होता है। महातत्व में प्रवेश करते हैं कारण दक्षता है विष्णु। और उनकी श्वास से जब ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं तो प्रत्येक ब्रह्मांड में फिर कारणोदक्षताई अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षताई विष्णु के रूप में। तो प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षताई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं भगवान। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, फिर गर्भोदक्षताई विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, फिर ब्रह्मा जी अपने शरीर से और मन से प्रजा उत्पन्न करते हैं। वे इससे भी आगे अपने आप को चिरोदक्षता विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और ये विष्णु प्रत्येक वस्तु में यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो प्रभुपाद इस बात को समझा रहे हैं, प्रकृति में स्वाम अवष्टभ्य है, अपनी प्रकृति में मैं प्रवेश करके। तो भगवान अपनी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, इसका मतलब क्या है, प्रकृति से सबसे पहले महातत्व उत्पन्न होता है। तो महातत्व में प्रवेश करते हैं महाविष्णु, और फिर उनकी श्वास से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, फिर उन सब ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु अपना विस्तार करते हैं क्षीर समुद्र में, और वे प्रवेश करते हैं प्रत्येक परमाणु में। तो प्रकृति में भगवान जब प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार से प्रवेश करते हैं। तो भगवान का जो प्रवेश करना है वो पूर्ण है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां भगवान प्रवेश नहीं कर करते। इस प्रकार से उनका नियंत्रण होता है। ऐसी शक्ति किसी की नहीं है कि जो प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करे। अगर भगवान प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं तो उनका फिर नियंत्रण कहां नहीं है, सोचिए। परमाणु को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और वे उसमें प्रवेश करते, और जब भगवान प्रवेश करते परमाणु में तो उनको प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। भगवान ऐसे प्रवेश करते हैं परमाणु के अंदर भी जैसे कि काफी बड़ा कमरा हो। आप जब अपने घर में प्रवेश करते हैं, कमरे में प्रवेश करते हैं तो कैसा लगता है, बड़ा आराम लगता है, है? किसी बड़े महल में आप प्रवेश करें तो कैसा लगता है, बड़ा आराम लगता है। तो भगवान परमाणु के अंदर भी प्रवेश करते हैं तो वे ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा घर है, ऐसे प्रवेश करते हैं। तो सोचिए कि वे भगवान कितने छोटे हैं, परमाणु के अंदर भगवान कितने छोटे हैं, और कारण समुद्र में
जो भगवान है कितने बड़े हैं अंदाजा नहीं लगा सकते। भगवान जो है एक तरफा नहीं है, एक तरफा नहीं है कि जैसे भाई बहुत बड़े हैं भगवान, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। भगवान छोटे भी हैं, और छोटे हैं तो कितने छोटे हैं, छोटे से भी छोटे हैं। इसलिए कहा जाता है स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट के अंदर सबसे छोटा, उससे भी छोटे हैं। और कारणोदक साहिब विष्णु कितने बड़े हैं, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। आप कल्पना करें कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो सकता है, उससे भी बड़े। तो भगवान जब प्रकृति में प्रवेश करते हैं तो वे ऐसे प्रवेश करते हैं कि वे बड़े से बड़े भी बने रहते हैं और छोटे से छोटे भी बने रहते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जहां तक जीवात्माओं का संबंध है वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं। तो बद्ध जी आत्माओं के लिए नहीं कहा गया है प्रवेश करते हैं प्रकृति में, बद्ध आत्माओं के लिए क्या कहा जाता है, भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं। तो अंतर है, भगवान प्रकृति में प्रवेश करते हैं और बद्ध आत्माएं प्रकृति में गर्भस्थ की जाती हैं, अंतर है, है? कोई गर्भ में डाला जाए है? तो उसको बलपूर्वक डाला जाता है गर्भ में, उसका अपना कोई बस नहीं, नियंत्रण नहीं है। जीवात्मा जो है जब माता के गर्भ में जाता है तो उसका कोई नियंत्रण होता है, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि किसी कैदी को कैद खाने में डाला जाता है तो क्या कर सकता है, तो भगवान अंतर बताते हैं, भगवान अंतर बताते हैं कि भगवान प्रकृति में प्रवेश करते हैं है? तो कैसे प्रवेश करते हैं, अपने नियंत्रण के साथ प्रवेश करते हैं, उनका पूरा नियंत्रण रहता है। जैसे राजा जब जेल खाने में प्रवेश करता है तो अपने नियंत्रण के साथ प्रवेश करता है, उसे कोई बलपूर्वक थोड़ी जेल में डालता है राजा को, राजा अपने नियंत्रण के साथ जेल में प्रवेश करता है। और जो कैदी हैं जेल खाने में डाले जाते हैं, कैदियों को नहीं कहा जाता कि कैदी अपनी इच्छा से प्रवेश करते हैं, अंतर है। अब कोई कहे कि क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, राजा भी जेल खाने में जाते हैं और जितने कैदी हैं वो भी जेल खाने में जाते हैं, क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं, तो पागलपन है। भगवान प्रकृति में प्रवेश करते हैं, इन जीवात्माओं को गर्भस्थ किया जाता है, है? और वे अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। प्रत्येक सृष्टि में सब जीवात्माएं प्रकृति में गर्भस्थ की जाती हैं और फिर वो अलग अलग योनियों में उत्पन्न होते हैं। प्रकृति के गर्भ में अलग अलग योनियों में शरीर प्राप्त होते हैं, किसी माता के गर्भ में एक ही प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। अगर मनुष्य की स्त्री है तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, कौवे की स्त्री है तो कौवे का शरीर मिलेगा, कुत्ते की स्त्री तो कुत्ते का शरीर मिलेगा। लेकिन जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, उसके गर्भ में जब जाते हैं जीव तो अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेते हैं।
तो प्रभुपाद इतने गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। ये बंद कर, बंद है, बंद कर। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अलग अलग योनियां क्रम से विकसित होती हों, क्योंकि आज के वैज्ञानिक कल्पना करते हैं, मूर्खता है। यहां तो भगवान बताते हैं कि मैं उनको उत्पन्न करता हूं, तो सब योनियों को उत्पन्न करते हैं। तो भगवान सृष्टि में जब उत्पन्न करते हैं तो जो गधे हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, भैंस हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, पूरी सृष्टि उत्पन्न करते हैं भगवान। लेकिन जो लोग भगवान को नहीं मानते, आज की जो शिक्षा है भगवान को नहीं मानती, तो बिना भगवान के वो कहते हैं पहले एक सेल का जीव था, फिर दो सेल हुए, फिर तीन सेल हुए, इस तरह से अमीबा हुआ, फिर बंदर हुआ, फिर बंदर से मनुष्य हुआ, सब पागलपन। अगर ऐसे होता तो बंदर से भी मनुष्य क्यों नहीं बनते? अगर इस समय जो मनुष्य हैं, पहले बंदर थे, बंदर से मनुष्य बने, तो अभी भी कोई बंदर से मनुष्य बने? अच्छे काम करके कोई बंदर मनुष्य बन जाएगा? किसी बंदर को आप अच्छे काम करने के दो तो क्या मनुष्य बन जाएगा? अगले जन्म है ना, तो आज की शिक्षा अगला जन्म भी नहीं मानती। आज की शिक्षा अक्सर अगला जन्म भी नहीं मानती, अज्ञान ही अज्ञान है। आज की शिक्षा में अज्ञान के सिवा कुछ नहीं है, अगला जन्म ही नहीं मानते। और अगला जन्म अगर नहीं मानते हैं तो आप समझिए कि रत्ती भर आपको ज्ञान नहीं है। अगला जन्म जो है अगर ना माने कोई व्यक्ति तो वो घोर अज्ञान में है, उसके पास ज्ञान 1% भी ज्ञान नहीं है। और आज की शिक्षा कि कितने विभाग हैं और बहुत किताबें, बहुत सी ब्रांचेस, लेकिन अगला जन्म नहीं मानते, पिछला जन्म नहीं मानते, तो घोर अंधकार, अंधकार ही अंधकार है आज की शिक्षा में। इसलिए मैं पढ़ाई पढ़ते पढ़ते एक ऐसे बिंदु पर आ गया कि मेरा पढ़ाई मन ही नहीं लगता था। क्योंकि इतनी पढ़ाई का जो है उद्देश्य क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? पढ़ते पढ़ते आदमी बस मर जाए है? और उससे कुछ भी पता ना हो कि उसको अगला जीवन क्या मिलने वाला है, ये शिक्षा। इसलिए मेरा मन ही नहीं लगा शिक्षा में। तो आज की जो शिक्षा है ये प्रभुपाद क्या कहते हैं कि कसाई खाने में जैसे पशु जाता है और उसके जीवन की हत्या होती है, उसी प्रकार आज की शिक्षा है। आज की शिक्षा में मनुष्य जाता है विद्यालय में,
उसके मनुष्य के जीवन की हत्या होती है और पशु का जीवन मिल जाता है, है? अब वो शिक्षित व्यक्ति मनुष्य नहीं रहा, क्या हो गया? पशु। मनुष्य शिक्षित होकर के क्या बनता है? पशु बनता है, है? कोट पैंट टाई लगाए हुए क्या बना है? बढ़िया शिक्षित पशु। चार पैर वाले जो पशु हैं अशिक्षित हैं, और आप दो पैर वाले पशु क्या हैं? शिक्षित हैं। शिक्षित पशु हैं लेकिन मनुष्य नहीं है, तो मनुष्य अशिक्षित भी हो तो भी अच्छा है, अगला जन्म तो मानता है, पिछले जन्म मानता है। अपने कर्म हम कैसे बनाएं, कैसे सुधारें कि अगले जन्म में हमें दंड नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों ऐसे काम करूं जिसमें मेरा परलोक खराब होता है। तो इस तरह से जो है व्यक्ति अशिक्षित होने के बावजूद भी सोचता है कि मुझे ऐसे काम नहीं करना है जिसमें मेरी गति दुर्गति हो जाए, अगले जन्म में दुर्गति होगी इसलिए ये काम नहीं करना है। बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे भाई बहन हमें बताते थे ये काम नहीं करना, दुर्गति होगी, अगले जन्म में दुर्गति होगी या नरक में जाना पड़ेगा, तो ये बताते थे। अभी आज के शिक्षा में नरक की कोई चर्चा ही नहीं होती, नरक की स्वर्ग की कभी चर्चा नहीं होती, वैकुंठ की चर्चा तो बहुत दूर है। गीता तो हमें वैकुंठ की बात बताती है, आज की शिक्षा में वैकुंठ का नाम निशान ही नहीं है। वैकुंठ क्या होता है? इतनी शिक्षा का जो है फायदा क्या है? जीवन बर्बाद करना। शिक्षा का लाभ यही है कि आपने अपने जीवन इतना बर्बाद कर दिया व्यर्थ में। यहां प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा नहीं कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं, तो आज की शिक्षा ये बताती है कि पहले पानी के जीव पैदा हुए, पानी से फिर जो है वो जो है पानी से बाहर आ गए, तो फिर वो जो है मेढक बन गए या और योनियां बन गए, उनसे फिर वृक्ष बन गए, उनसे फिर ये बन गए, उनसे वो बन गए। तो ऐसा नहीं है, है? आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य पशु पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। अवशम का मतलब क्या है? कि जीव जो है जब उत्पन्न होते हैं तो वे बेवश होते हैं या मूर्छित अवस्था में रहते हैं, बेहोश। जन्म के समय जीव बेहोश हो जाता है, क्योंकि इतना कष्ट होता है कि वो बेहोश हो जाता है। सोचिए कितना कष्ट होता होगा कि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए। तो जितने भी जीव हैं ये विवश हैं, यानी बेहोशी में उनको जन्म लेना पड़ता है। गर्भ के अंदर आप जाते हैं, माता के गर्भ के अंदर आप जाते हैं, तो माता के गर्भ के अंदर आपका शरीर बनता है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको रहना पड़ेगा गर्भ में, और शरीर आपका बनता है, और जब शरीर बन जाता है पूरा तो फिर आपको जन्म लेना पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर जन्म नहीं लेना चाहते हैं तो भी जन्म लेना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। और जन्म लेने के बाद शरीर बड़ा होता है तो आप रोक नहीं सकते, आपका शरीर बड़ा
होता है। शरीर बड़ा होता है फिर एक बिंदु आता है कि शरीर का बढ़ना रुक जाता है। इस तरह से फिर अंत में इसकी मृत्यु होती है, शरीर नष्ट हो जाता है। उसको भी आप नहीं रोक सकते, अवश्यम प्रकृति वशा, प्रकृति के वश में सब जीव अवश्य हैं, बेवश हैं, उनका कोई वश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं। अब किसी को हिरण का शरीर प्राप्त था और प्रलय हो गई है, तो ब्रह्मा जी के जीवन काल तक उनको सुप्त अवस्था में रखा जाएगा और अगले जो महाकल्प में उनको शरीर मिलेगा तो हिरण का ही शरीर मिलेगा। क्योंकि भगवान की प्रकृति में हर जीव के सब रिकॉर्ड सुरक्षित रखे हैं। प्रकृति में आपका पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा है कि आपके कितने संचित कर्म थे, जिनमें से प्रारब्ध का जो है कुछ हिस्सा निकल गया है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं यही भगवान की अचिंत शक्ति है, विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान कौन से कोई नाता नहीं रह जाता। भगवान उत्पन्न करते हैं सब जीवों को, फिर भगवान अपना संबंध नहीं रखते जीवों से। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये जीव भगवान से विमुख हैं। ये सब जीव पहले से भगवान से दूरी बना चुके हैं। इसलिए भगवान सब जीवों को जन्म देते हैं लेकिन फिर अलग हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे भूलना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें भूल रहा हूं, तुम मुझे भूलना चाहते हो तो मैं भी तुमको भूलना चाहता हूं। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान को उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। ये सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। तो यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि यद्यपि भगवान उत्पन्न करते हैं सब जीवों को लेकिन तो भी वे बंधते नहीं। भगवान किसी कर्म से बंधते नहीं है। तो आज के श्लोक में ये चर्चा हो गई। अब इस श्लोक में श्री भगवान ने कहा मैं विस्तृत चर्चा है, तो कुछ बातें मैं पढ़ के सुनाऊंगा इसके अंदर से। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी इच्छा नहीं है कि सभी बद्ध आत्माओं को प्रत्येक सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न करें। श्री कृष्ण तो चाहते हैं कि सभी जीव आत्माएं उनके धाम में आ जाएं, परंतु जिस समय सृष्टि का विनाश हुआ था उस समय प्रकृति में प्रत्येक जीव के विषय में ये बात निश्चित हो गई थी कि किस जीव की प्रकृति को भोगने की कैसी इच्छा के अनुसार उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होना है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो जीव श्री कृष्ण की शरण में नहीं आते हैं तथा प्रकृति को भोगना चाहते हैं, उन जीवों की भोगने की वैसी इच्छा के अनुसार श्री कृष्ण उन्हें भौतिक शरीर प्रदान करते हैं। यहां पर श्री कृष्ण के ऊपर ये दोष नहीं लगता है कि ये सभी बद्ध जीवों को अपने धाम में क्यों नहीं ले जाते हैं। यद्यपि जीवों को प्रलय के समय 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक सुप्तावस्था में रखा गया है, परंतु प्रलय के पहले प्रकृति के द्वारा उन जीवों के कर्म तथा उनकी इच्छाओं के अनुसार उनके लिए जैसे जैसे शरीर निश्चित हो चुके हैं, श्री कृष्ण जीवों को वैसे वैसे ही भौतिक शरीर प्रदान करते हैं।
इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जहां तक जीवात्माओं का संबंध है वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और भी अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न निर्विघ्न कोटियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं, जैसे कि सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। मनुष्य पशु पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय बद्ध जीवों की जो जो इच्छाएं हैं वे पुनः प्रकट होती हैं। तो इसमें काफी चर्चा है, बहुत लंबी चर्चा है, तो हमने इस श्लोक में कुछ चर्चा की। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? आपका प्रश्न जैसे इधर आकाश में बादल होते हैं बहुत सारे, तो जो महतत्व का बादल है वो भी ऐसे ही बादल है पूरा पूरा। फिर से बोलना। हमारे सामने बादल दिखाई देते हैं बहुत सारे, तो महतत्व का जो बादल है वो भी इसी तरह से है? हाँ, आध्यात्मिक आकाश में महातत्व का एक बादल, भौतिक प्रकृति से जो है महातत्व का एक बादल बनता है, उस बादल के अंदर कारण समुद्र समाया है। सोचिए, कारण समुद्र समाया है, उस कारण समुद्र में कारणोदक साहिब विष्णु। अच्छा प्रश्न है इनका। प्रश्न है कि एक तो भगवान की प्राप्ति होती है भगवान की भक्ति के द्वारा, और कोई असहाय जीव है, कोई व्यक्ति उनकी सहायता करता है, तो उसको कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? इनका यही प्रश्न है, उसको कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? भगवान की प्राप्ति लंबा प्रश्न नहीं करना चाहिए, बहुत लंबा प्रश्न करते हैं। एक तरीका ये है कि अपना पूरा जीवन, पूरा अपना जीवन गरीब लोगों की, निसहाय लोगों की सेवा में लगा दे पूरा जीवन, तो एक तरीका ये है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो गरीबों की सेवा में जो अपना पूरा जीवन लगाते हैं, तो वो विधि, उसकी एक विधि है, उसकी एक विधि है सर्वभूत हित रथ, सब प्राणियों के हित में रथ, सब प्राणियों के हित में रथ हैं, तो वो प्रत्येक जीव में भगवान को देखते हैं। ये तरीका नहीं होता है गरीबों की सेवा का कि भाई भगवान तो इनकी सेवा नहीं करेंगे, हम सेवा करेंगे, हम भगवान से ज्यादा अच्छे हैं, वो भाव नहीं है। गरीबों की सेवा में जो है इस प्रकार का भाव नहीं होता है कि भगवान तो गरीबों की सेवा नहीं करेंगे इसलिए हम सेवा करेंगे, हैं तो हम भगवान से ज़्यादा अच्छे हैं, ये तरीका नहीं। हर कोई व्यक्ति सब प्राणों के हित में रत होता है तो वो क्या देखता है, हर जगह भगवान को देखता है और भगवान की सेवा करता है। इसमें राजा रंधदेव का उदाहरण है। राजा रंधदेव प्रत्येक जीव का सम्मान करते, प्रत्येक जीव का आदर करते हैं। चांडाल आया, उसको भी पानी दे दिया, 48 दिनों से खाया नहीं था और कुछ भोजन था, तो चांडाल आया उसको भी पानी दे दिया, थोड़ा सा पानी बचा तो वो उसके कुत्ते प्यासे थे, कुत्तों को पानी पिला दिया। तो वो भावना जो है वो भी भक्ति की ही भावना है, लेकिन उसमें बहुत क्लेश है,
क्लेशो देखते रास्ते शाम अव्यक्ता असक्त चेत शाम, उस रास्ते में बहुत क्लेश है क्योंकि उसमें भगवान को अव्यक्त माना जाता है। उसमें भगवान को अव्यक्त माना जाता है, लेकिन जब हम भगवान को मंदिर में देखते हैं साक्षात भगवान हैं, है ना, और श्रवण कीर्तन की विधि के द्वारा अगर हम कृष्ण चेतना विकसित करते हैं तो ये विधि सरल है। इसलिए गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने इस विधि का वर्णन किया है और ये कहा कि निराकार की जो विधि है कभी नहीं अपनाना चाहिए। तो भगवान ने भक्ति के अनेक विधियां बताई कि ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो, लेकिन उस विधि को मत अपनाओ, निराकार की विधि। तो वे लोग हमारी निंदा करते हैं कि हरे कृष्णा वाले हैं, ये समाज की कोई सेवा नहीं करते, ये तो मंदिर में भजन करते हैं, समाज की कोई सेवा नहीं करते, है ना। लेकिन उनको पता नहीं है कि जब हरे कृष्ण का हम जाप करते हैं तो हमारी चेतना इतनी शुद्ध होती है कि हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति से हम विरक्त होते हैं। इंद्रिय तृप्ति की जो आवश्यकता है, जब हम उससे मुक्त हो जाते हैं, चेतना शुद्ध हो जाती है, तो अपने आप सबका कल्याण करता है कोई व्यक्ति। अगर हर व्यक्ति जो है कृष्ण का भक्त बन जाए तो उसकी आसक्ति रहेगी नहीं किसी चीज में, तो जो जिनको आवश्यकता है वो वैसे भी देंगे, तो उसमें फिर ये जरूरत नहीं है कि आप गरीबों की सेवा करें। हर कोई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर कोई दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करेगा, जो भाईचारा है अपने आप स्थापित होगा। तो कृष्ण भावना भावित अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसके अंदर सब गुण अपने आप आ जाते हैं। अभी तो एक व्यक्ति है जो गरीबों को खाना खिला रहा है और बाकी लोग जो है अपने अपने दबाए बैठे हैं। अगर हर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बन जाएगा तो हर कोई दूसरे को खाना खिलाएगा। तो प्राचीन काल में क्या था, कोई होटल नहीं थे, कोई होटल नहीं थे और ना कोई गाड़ियां थी, लोग पैदल चलते थे, पैदल यात्रा करते थे तो कई दिनों की यात्रा होती थी, तो अपने पास में उतना भोजन वो रख भी नहीं सकते हैं कि पूरी दिन की यात्रा हो, और कई दिनों तक पैदल चलना है तो कहीं जब थक जाएंगे तो विश्राम करना पड़ता है, तो किसी भी घर में विश्राम करें। पैदल थक जाए किसी घर में विश्राम कर लें, ऐसी भावना होती थी। रात हो गई है उनको विश्राम करना है, किसी घर में रात बिता लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। भूख लगती है किसी घर में जाओ भोजन मिल जाएगा फिर आगे बढ़ो। अब मान लो 1500 किलोमीटर की यात्रा करनी है, पैदल यात्रा करनी है, तो कैसे यात्रा करेंगे, उनके पास पैसा भी नहीं है, तो बिना पैसे के भी वो यात्रा करते थे। गृहस्थों का ये कर्तव्य था, अतिथि कोई आए उसका सम्मान करो, उसको पीने के लिए पानी दो। तो पहले पानी बिकता नहीं था, हर घर में कोई भी जाए पानी मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, विश्राम मिल जाएगा, अतिथि, तो उन दोनों जो है कोई ये बात नहीं थी कि भाई एक व्यक्ति गरीबों की सेवा करे, सभी लोग करते थे सेवा। तो ये चीज जो है मतलब वो नहीं है कि भाई हम लोग ये नहीं कर रहे। अगर आपकी भौतिक आसक्ति मिट गई तो आपके अंदर सब गुण आ जाएंगे। हर कोई सोचेगा कि मैं संपत्ति को क्यों बटोरूं, जितने से अपना पेट भरता है उतना मेरा
अधिकार है, उससे ज्यादा मेरा अधिकार अगर मैं मानता हूं तो मैं चोर हूं, मुझे दंड मिलेगा। जितने में पेट भरता है उतना अपना अधिकार है, उससे ज्यादा कोई अपना अधिकार मानता है तो वो चोर है, उसे दंड मिलेगा। जब ये भावना होगी तो आप कैसे रखेंगे अपने पास धन? आपके पास धन है, किसी को आवश्यकता है तो आप क्यों नहीं देंगे? हर व्यक्ति सहायता करेगा। तो कृष्ण भावना का जो अमृत है ये अपने आप में पूर्ण है। फिर ये नहीं होता कि हम गरीबों की सेवा करें। तो कोई दुखी नहीं होता फिर। जहां कृष्ण भावना भावित समाज होता है वहां कोई दुखी नहीं होता। जो गरीब हैं वो भी संतुष्ट हैं, अपनी गरीबी में ही संतुष्ट हैं। वो धन को भी भार समझते हैं, उनको धन नहीं प्राप्त हुआ तो इसमें भी वो भगवान की कृपा समझते हैं कि मुझे धन नहीं प्राप्त हुआ। जिसको धन प्राप्त होता है उसे भगवान, वो सोचता है भगवान की कृपा से मुझे धन प्राप्त हुआ है। तो धन नहीं प्राप्त होता है तो भी भगवान की कृपा समझता है, भगवान की कृपा से मुझे धन नहीं प्राप्त हुआ। मुझे धन प्राप्त हुआ है वो भी सोचता है भगवान की कृपा से मुझे धन प्राप्त हुआ है, मुझे भगवान की सेवा में लगानी। तो हर कोई जो है भगवान की कृपा का अनुभव करता है। सुंदर सब सुंदर लगता है लेकिन विनाश सब लगता है। इससे शक्ति का पतन समझ में आया। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। राधा पार्श्वार्थी ललिता विशाखा गौरनताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।